दोस्तों, फांसी एक ऐसा शब्द है या फांसी एक ऐसी सजा है अपने देश के कानून में, अपने देश के संविधान में। साथ ही लोगों के विचारों में मतभेद है, कंट्रोवर्सी में हमेशा से ही यह मुद्दा रहता है, क्योंकि किसी भी एक सभ्य सभ्यता में फांसी जैसी जो एक पनिशमेंट होती है उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। एक आदमी ही, एक इंसान ही दूसरे इंसान की जान ले लेता है, ऐसा सिस्टम से अक्सर कई लोग इत्तफाक नहीं रखते हैं। बट फांसी जो अपने देश का कानून है, जिसमें अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि सजाए 302 के तहत फांसी की सजा दी जाती है, फांसी की पूरी कहानी क्या है, क्या कहता है मेडिकल साइंस और क्या कहता है अपना जुडिशियल सिस्टम, साथ में ही जब फांसी किसी को दी जाती है कितने समय तक लटकाया जाता है उस फंदे पर, साथ में ही जहां पर फांसी दी जाती है वहां किस किस का होना अनिवार्य है, कितने लोग होते हैं, और साथ ही पूरा प्रोसेस जो फांसी का होता है, फांसी के बारे में आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। हमने हालांकि कई सारे मुद्दों पर वीडियोस बनाई हैं, आज का जो मुद्दा है कि फांसी की पूरी कहानी, कि फांसी किस तरह से दी जाती है, फांसी का नियम क्या है, किन किन सेक्शंस में फांसी दी जाती है, इन चीजों को लेकर कई दिनों से आपके कई सारे कमेंट्स थे हमारे पास। दोस्तों सबसे पहले आप समझिए, फांसी जो 302, सिर्फ 302 मतलब मर्डर में ही नहीं जिक्र किया गया है, ऐसी कई सारी धाराएं हैं। पर मैं आपको बता दूं कि फांसी देने का सबसे पहला मतलब क्या है। फांसी जब भी किसी को दी जाती है तो हमेशा फांसी देने के लिए जो रस्सी है, रस्सी का साइज, साथ ही रस्सी की लंबाई, जहां से फांसी दी जाएगी, जहां से लटकाया जाएगा, उसकी टोटल ऊंचाई, और साथ ही जिसको फांसी दी जाने वाली है उसका कद, काठी और साथ में ही वजन, ये सब चीजें एक तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, उसके आधार पर ही फंदा तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जिसको भी फांसी देंगे उन सभी का फंदा एक जैसा ही होगा और उनको फांसी दे दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक इंसान के अनुसार, इंसान के कद, काठी, वेट, उसके अनुसार ही फांसी का फंदा बनाया जाता है। अब जुडिशरी और मेडिकल क्या बोलता है, और जुडिशरी और मेडिकल के हिसाब से जो कहते हैं डॉक्टर्स भी, और जो कहता है हमारे देश का कानून, कि जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो जो रस्सी जो होती है, आपने देखी होगी फिल्मों में कि रस्सी का जो नॉट है पीछे की साइड होता है, ऐसा नहीं होता है उसमें। रियलिटी में एक जो रस्सी बनाई जाती है फांसी देने के लिए, उसका नॉट या तो आगे होता है, मतलब कि ठोड़ी के नीचे लगाया जाता है, या फिर साइड में लगाया जाता है। मतलब सिर्फ इतना होता है कि जब भी फांसी दी जाए, कि जब लीवर खींचा जाएगा तो जब झटका पड़ेगा नेक पर, तो जो वोकल कॉर्ड होता है वो टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है पूरी तरह से, और गर्दन में कई सारे फ्रैक्चर्स की वजह से सोचना, समझना, साथ में दिमाग में ऐसी तरंगें जाती हैं कि जिससे दिमाग काम करना बंद कर देता है, बॉडी कुछ ही मिनटों में बिल्कुल डेड हो जाती है, और वो इंसान जिसको फांसी दी गई वो मृत घोषित हो जाता है। पर यह भी मान्यता है कि 2 घंटे तक लटकाया जाता है किसी भी डेड बॉडी को जब भी किसी को फांसी दी जाती है। पर मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, कि जो फिल्मों में आप देखते हैं जल्लाद की ड्रेस होती है काली सी, भद्दा सा, उसमें दिखाया जाता है एक डरावना सा आदमी, ऐसा नहीं होता। आपने अक्सर आजकल न्यूज में भी देखा होगा कि जो जल्लाद होते हैं उनकी एक परमानेंट पर मंथ की सैलरी होती है, जिस सैलरी से ही उन लोगों का घर चलता है। जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो वहां पर कुछ लोगों का होना बहुत अनिवार्य है। किन किन लोगों का, जैसे कि जेलर, जो भी उस जेल का जेलर है उनका होना अनिवार्य है, डॉक्टर का होना अनिवार्य है, मजिस्ट्रेट का होना अनिवार्य है, और साथ में ही जल्लाद का होना अनिवार्य है। जल्लाद का काम होता है लीवर को खींचना, उसको फांसी देना, साथ में जेलर का काम है उन सभी व्यवस्थाओं को बनाना, क्योंकि वहां पर जेलर के अंडर ही सब चीजें होती हैं। मजिस्ट्रेट एक जुडिशरी का ही एक नियुक्त कोई भी एक जज है, जिनके आदेश के अनुसार ही फांसी का जो एक फैसला होता है वो आगे बढ़ता है जुडिशरी सिस्टम के अनुसार। और डॉक्टर वहां इसलिए होता है कि डॉक्टर ही बताता है कि अब वो डेड है या नहीं, वो मृत हो चुका है, मर चुका है या नहीं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा कि फांसी हमेशा सुबह सुबह ही दी जाती है, 5 बजे, 4 बजे, या कोई भी जो एक वक्त मुकर्रर हुआ है, जो भी कोई लिखा गया है फैसले में, उसी वक्त फांसी दी जाती है। फांसी देने से पहले सुबह सबसे पहले उसको निलाया जाता है, जो भी वो कन्विक्टेड व्यक्ति होता है जिसको फांसी की सजा बोली गई है, पहले निलाया जाता है, फिर उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, और साथ में ही उससे कोई भी एक उसकी अंतिम ख्वाहिश पूछी जाती है कि आप अंतिम, मतलब आपकी जिंदगी का ये अंतिम पल है, उसमें आप क्या चाहते हैं। कई सारी ऐसे सजाएं होती हैं, कई सारे IPC के सेक्शंस हैं
जिसके द्वारा फांसी का प्रावधान दिया गया है। जैसे कि कुछ सेक्शंस आप समझ सकते हैं, 302 जिसमें मर्डर की बात की गई है, साथ में 396 मतलब कि लूटपाट की गई, डकैती कहीं पर की गई और साथ में मर्डर कर दिया, इसमें भी आपके लिए फांसी तक की सजा सुनाई जा सकती है। साथ में ही 303 ऑफ आईपीसी 1860 का जो हमारा एक्ट है उसमें 303 के बारे में आपने कम ही सुना होगा। इसके बारे में आप ये समझ लीजिए कि जब भी किसी भी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, जेल में वो उम्र कैद काट रहा है और उसी के चलते वो किसी का मर्डर अंदर कर दे, तो वहां 302 नहीं 303 लगती है उसके ऊपर। साथ में कुछ सेक्शंस हैं जैसे कि 364A के अंदर भी प्रावधान है, साथ में 305 में है, 376A और 376D जिसमें गैंग रेप की बात की गई है। ये कुछ ऐसे हीनियस क्राइम होते हैं जिसके लिए फांसी की सजा को मुकर्रर किया गया है। दोस्तों फांसी जो दी जाती है, फांसी देना मतलब सिर्फ इतना होता है कि जिस भी व्यक्ति ने जो वो हीनियस क्राइम किया है उसको ऐसी सजा दी जाए कि वो और लोगों के लिए नजीर बन जाए, कि आप ये करने की सोचे भी नहीं। उस व्यक्ति ने, क्योंकि किसी इंसान को मार दिया किसी व्यक्ति ने और अब हम उसको मार दें तो आंख के बदले आंख तो दुनिया अंधी हो जाएगी। पर जरूरी है अपने एक सभ्य समाज में अगर कुछ ऐसे लोग जो कि बिल्कुल ही अमानवीय तरह से हीनियस क्राइम करते हैं उनको सजा दी जाती है, उम्र कैद दी जाती है, फांसी सजा दी जाती है 10 साल 20 साल, अलग अलग प्रोविजंस में, अलग अलग अपराधों में अलग अलग तरह से सजाएं दी जाती हैं। इनके बारे में कई बार हमने पहले भी वीडियोस बनाई है। उम्र कैद कब दी जाती है, उम्र कैद क्या पूरी जिंदगी होता है या 14 साल की होती है, उस पर वीडियो अवेलेबल है। और साथ में 376D में गैंग रेप में किस तरह से पूरी प्रोसीडिंग चलती है उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाई है, आपको हमारे इसी चैनल पर वो वीडियो देखने से मिल जाएगी। दोस्तों जितने भी हमने वीडियोस बनाई हैं जेल के बारे में, तिहाड़ जेल के बारे में, या जेल कैसा होता है, जेल की लाइफ कैसी होती है, कोई भी किसी भी तरह की वीडियो आप चाहते हैं, या आप चाहते हैं कोई भी सजेशन या नेक्स्ट वीडियो हम किस पर लेकर आएं उसके बारे में आप कमेंट करें, हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे। और कोई भी अगर आप कानूनी सलाह चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की और कोशिश करेंगे आपके सभी तरह के सवालों का जवाब देने की। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आपको कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।